आपने बहुत बार सुना होगा मेल कॉन्डम्स के बारे में, मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं जो मेल कॉन्डम्स के बारे में प्रॉपर लाइट डालती हैं, बताती हैं कैसे यूज करना है, लेकिन आपने नहीं सुना है फीमेल कॉन्डम्स के बारे में। मेरी एक बहुत पुरानी वीडियो थी जो बहुत ज्यादा फॉलोवर्स ने लाइक की थी, आज उसी के रिलेशन में पार्ट टू बना रही हूँ, फीमेल कॉन्डम्स क्या होते हैं और फीमेल कॉन्डम्स आप कब और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता, मैं एक सेक्स काउंसलर हूँ और पिछले काफी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज बताने वाली हूँ कॉन्डम के एक बड़े रूप के बारे में, दैट इज कॉल्ड अ फीमेल कॉन्डम। आपने नहीं देखा होगा, नहीं जानते होगे, इसलिए ये वीडियो आपको पूरा अंत तक देखना है, चाहे आप मैरिड हैं या अनमैरिड। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए, हम बात कर रहे थे फीमेल कॉन्डम्स के बारे में। मेल कॉन्डम्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं, सस्ते होते हैं, अलग अलग वैरायटी में होते हैं, लेकिन फीमेल कॉन्डम्स की बेचारे की किस्मत खराब है, क्योंकि एक तो वो आसानी से मिलते नहीं है, मोर ओवर इसके बारे में लोग जानते नहीं है और उन्हें लगता है कि बेचारे मेल को ही कॉन्डम लगाना पड़ेगा। बहुत सारे केसेस में फीमेल्स को पुश करना पड़ता है अपने बॉयफ्रेंड्स को या पार्टनर्स को कि प्लीज कॉन्डम लगा। उन्हें ये नहीं पता है कि उनके पास भी चॉइस है फीमेल कॉन्डम्स इस्तेमाल करने की। फीमेल कॉन्डम्स थोड़े से बड़े होते हैं और वो आसानी से आपके वजाना के अंदर चले जाते हैं। जब वो वजाना के अंदर जाएंगे तो एक होल सा क्रिएट हो जाएगा, वहां पे आप अगर सेक्स करते हैं, पेनिट्रेशन करते हैं, तो उससे आपको किसी भी तरीके का बेबी होने के चांसेस नहीं होते। साथ साथ ये आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बहुत दूर रखता है और आपको पुश नहीं करना पड़ता है, आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है कि मेरा पार्टनर पता नहीं कॉन्डम यूज करेगा नहीं करेगा। स्पेशली स्टेल्थिंग के केसेस में जब आपका बॉयफ्रेंड बोल तो रहा है मैं यूज कर रहा हूं, लेकिन वो एंड मोमेंट पे हटा देता है, जिसकी वजह से आपको आगे प्रॉब्लम्स हो सकती है। स्पेशली प्रोस्टिट्यूट्स में भी ये इश्यूज रहते हैं कि वो बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाती हैं कि वो यूज करेगा। ऐसे में फीमेल कॉन्डम्स आर वेरी गुड चॉइसेस। अब बात करी जाए कि फीमेल कॉन्डम सिर्फ वजाइनल सेक्सेस में काम करे जाते हैं, नॉट एट ऑल। फीमेल कॉन्डम्स आप एनल सेक्स में भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई आपको एनल सेक्स अच्छे से एंजॉय करना है लेकिन वहां पर भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो मे बी यू कैन रोल अ फीमेल कॉन्डम ऑन योर फिंगर और वो कॉन्डम आप बहुत आसानी से एनस में डालने की कोशिश करें और उसके बाद आप वहां पर आसानी से पेनिट्रेटिव सेक्स कर सकते हैं। सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि आप अगर एनल सेक्स फीमेल कॉन्डम से करेंगे तो एटलीस्ट वहां पर गंदगी नहीं होगी, आपको मे बी इन्फेक्शन के चांसेस कम रहेंगे। साथ साथ बहुत लोगों को बहुत ज्यादा एनल सेक्स करने से मजा आता है लेकिन वहां पे कट्स या मे बी वहां पे ब्लीडिंग आने के चांसेस हो सकते हैं। तो अगर आपको एनल सेक्स पसंद है, चाहे वो मेल टू मेल सेक्स है, चाहे वो मेल टू फीमेल सेक्स है, ऐसे में फीमेल कॉन्डम एक बहुत अच्छी भूमिका निभाता है और आप उसे यूज कर सकते हैं। अब बात आती है, मैम मेरे केमिस्ट के पास तो अवेलेबल नहीं है, मैं कहां से लूं? यू कैन इजिली गेट फीमेल कॉन्डम्स ऑन Amazon, एनी लोकल साइट्स, मैं लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप यहां से भी बाय कर सकते हैं। तो फीमेल कॉन्डम्स हेल्प करेगा आपके प्लेजर को इंक्रीज करने में, मोर ओवर वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, मोर ओवर वो इतना टाइट नहीं होता कि आपको लगेगा मैं नहीं यूज कर सकता हूं। तो जिस दिन आपका पार्टनर भूल जाए, आप इसके साथ रेडी रहें, आपको कॉपर्टी लगवाना या पिल्स लगवाने की जरूरत नहीं है, आप फीमेल कॉन्डम्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। मोरओवर ये कॉन्डम्स किसी फ्लेवर में नहीं आते हैं, सेंसिटिव नहीं होते हैं और इनके साथ बेस्ट चीज ये है कि ल्यूब्रिकेटेड होते हैं, तो आपको एक्सेसिवली कोई जेली या कोई ल्यूब इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं रहती। तो अब आपके पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है। तो आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके डाउट्स को क्लियर कर पाई है। बहुत जल्दी और वीडियो लाऊंगी, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और ऐसी चीजें अगर आपने देखी आपके आसपास, आप कहते डॉक्टर ने आपको नहीं बताया उसके बारे में, मैं बताता हूं, तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में लिख भेजें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो अपने व्यूअर्स तक जरूर उस चीज को पहुंचाएं।